हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन योर एसएसटी क्लास। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 7, ओपन योर पेज नंबर 7, चैप्टर 1 एंड चैप्टर नेम इज़ फूड। व्हाट इज़ फूड? आप जानते हैं फूड क्या होता है? एनी थिंग दैट पीपल और एनिमल्स ईट और ड्रिंक इज़ फूड। जो भी चीज़, कुछ भी जो लोग और जानवर खाते और पीते हैं, वही फूड है ना। भोजन क्या है? जो हम खाते हैं या जो जानवर खाते हैं, जो भी हमारा खाना होता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं, वही हमारा फूड होता है। जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ग्रास, मिल्क एंड नट्स आर ऑल फूड। ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे फूड होते हैं, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको सबको फूड की ज़रूरत होती है ना, जीने के लिए। जो लिविंग थिंग होते हैं, जो सांस लेते हैं, जानवर हों, पक्षी हों या मनुष्य हों, उन सबको जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, हमें भोजन की ज़रूरत कब होती है? वी नीड फूड व्हेन वी आर हंग्री। जब हमें भूख लगती है। सब बच्चे कहते हैं ना, मम्मा भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। सो, जब हम भूखे होते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें भोजन की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नीड फॉर फूड। भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? भोजन की आवश्यकता, आवर बॉडी नीड्स फूड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हमारी बॉडी को भोजन की आवश्यकता स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए होती है ना। जब हम भोजन करेंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले। जैसा आपको पिक में दिख रहा है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें वर्क करने के लिए और खेलने के लिए क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। किससे? फूड से। ओके, नेक्स्ट है गुड फूड मेक्स आवर बोन्स एंड बॉडी स्ट्रॉन्ग। जो अच्छा खाना होता है, हेल्दी खाना होता है, वो हमारे बोन्स को और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे बोन्स भी मजबूत बन जाते हैं। आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारा भोजन है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से और एनिमल्स, जानवरों से। जैसे दूध वगैरह हमें जानवर से मिलता है ना। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ फूड। फूड हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से हमें भोजन कैसे मिलता है? किन किन रूपों में हमें प्लांट से भोजन मिलता है? फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तीन रूपों में हमें पौधों से भोजन मिलता है। फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में और अनाज के रूप में। फूड ग्रेन्स, अब फूड ग्रेन्स कौन कौन से होते हैं? लाइक राइस, चावल, है ना, ओट्स, ये हमें अनाज के रूप में मिलता है। वीट, गेहूँ, ज्वार, है ना, और ये मेज़, मक्का जिसको हम बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं? हमारे अनाज होते हैं ना, ये हमें पौधों से मिलते हैं। फ्रूट्स के रूप में हमें भोजन कौन कौन से मिलते हैं? ऑरेंज, ग्रेप्स और एप्पल्स। और कौन कौन से फल होते हैं हमारे? पाइन एप्पल, बनानास, ऐसे बहुत सारे फल होते हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं, और लाइक मैंगो, है ना। नेक्स्ट है आपका वेजिटेबल्स। सब्जियों के रूप में हमें भोजन कौन कौन से मिलते हैं? बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं हमें, है ना, जो हम डेली रूटीन में खाते हैं और हमें खानी भी चाहिए सब्जियां, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होती हैं। जैसे पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, ऑनियन, ग्रीन पीस, इसी तरह बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो हमें पौधों से मिलती हैं, है ना। तो पौधों से हमें कई रूप में क्या मिलता है? भोजन मिलता है ना। पेज नंबर 9 ओपन अपनी बुक में करेंगे। सीरियल्स, फिंगर रखेंगे। सीरियल्स आर द ग्रेन्स दैट आर ईटन। सम कॉमन सीरियल्स आर, तो सीरियल्स होते हैं वो ग्रेन्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं डेली रूटीन में, अनाज, है ना। सम कॉमन सीरियल्स कौन कौन से होते हैं पिक में देखिए, राइस, वीट और मेज, ये कॉमन होते हैं जो
कॉमनली खाए जाते हैं, चावल और वीट, गेहूं की रोटी सभी खाते हैं ना, तो ये कॉमन होते हैं। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस आर सीड्स दैट कैन बी ईटन। पल्सेस क्या होते हैं? बीज होते हैं जिनको हम खाते हैं, जिन्हें हम दालें बोलते हैं। सम कॉमन पल्सेस आर किडनी बीन्स मीन्स राजमा, बंगाल ग्राम मीन्स चने, पीस मीन्स मटर, रेड लेंटिल क्या होती है, मसूर की दाल है ना, इनको हम दाल के रूप में खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कॉफ़ी, टी एंड शुगर। ये भी हमारे क्या होते हैं? अनाज होते हैं। देखिए कॉफ़ी बीन्स, टी लीव्स और शुगर, ये भी हम भोजन के रूप में खाते हैं, तो कॉफ़ी, टी एंड शुगर भी हमारा फूड के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है ऑयल। द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स गिव अस ऑयल। कुछ पौधों के जो बीज होते हैं उनसे हमें ऑयल मिलता है, मीन्स तेल मिलता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, जो सरसों की वो जो सूरजमुखी का जो फूल होता है उससे भी हमें, उसके बीजों से भी हमें तेल मिलता है। कोकोनट ऑयल, जो गोले का तेल होता है उसको हम कोकोनट ऑयल बोलते हैं। तो ये जो ऑयल होता है ये भी हमारे फूड के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है हमारा ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं खाते हैं सभी बच्चे। सम प्लांट्स गिव अस ड्राई फ्रूट्स, कुछ पौधे हमें क्या देते हैं? ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं कुछ पौधों से हमें। सम कॉमन ड्राई फ्रूट्स आर जैसे कैश्यू नट, ग्राउंड नट और वॉलनट, जैसे काजू, मूंगफली और अखरोट, ये सब क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना। इन ये भी हमारे भोजन के अंतर्गत ही आते हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लो, ब्लैक पेपर और कार्डमन, ये हमारे स्पाइसेस होते हैं, मसाले। मसाले भी तो हमारे भोजन में होते हैं, जब तक मसाले भोजन में ना हो तो स्वाद कैसे आएगा, टेस्टी और यमी कैसे बनेगा? तो स्पाइसेस इज मस्ट इन आवर फूड, है ना। प्लांट्स आल्सो गिव स्पाइसेस, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें स्पाइसेस भी देते हैं। प्लांट्स हमें स्पाइसेस भी मिलते हैं, जैसे काली मिर्च होती है ना, इलायची होती है और लौंग होती है, ऐसे काफ़ी सारे मसाले हमें पौधों से मिलते हैं। आज हम आपको सिर्फ पेज नंबर 9 तक ही पढ़ाएंगे, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 हम कल पढ़ेंगे, या अपनी नेक्स्ट टर्न जब हमारा एसएसटी का टर्न आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि लेंथी हो जाएगा और आपको इतना सारा समझ में भी नहीं आएगा। तो जितना मैंने आपको समझाया है उतना आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको चैप्टर को रीड करेंगे, क्योंकि रीडिंग इज मस्ट, है ना, स्पीकिंग अच्छी करनी है ना अपनी, तो चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से और उसको समझेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल करेंगे, करेंगे ना सभी बच्चे। मैं वेट करूँगी कितने बजे बच्चे मुझसे कॉल करके पूछते हैं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया है, आप हमें ये समझा दीजिए। ओके थैंक यू। जो मैं आपको पीडीएफ भेजूँगी वो काम आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।